हेलो पीपल, आप लोग सब कैसे हो? तो यहाँ हो गया है मेरा एक नया दिन अपने ज़िंदगी का एंड ऑन। सो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्र अपने अल्लाह का करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे लाइफ में एक अच्छी दिन, एक अच्छी डे मेरे लाइफ में ऐड किया विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। तो यहाँ पर मैं आ रही हूँ मॉल में। सो बेसिकली मैं यहाँ पे विंडो शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, बोल सकते हो। नहीं, कुछ अच्छा लगा तो मैं ख़रीद लूँगी। मेरे पास H&M का कूपन कार्ड्स पड़े हुए हैं। इफ़ आई थिंक टू गो एंड शॉप देन मैं करूँगी, मुझे नहीं लगा तो फिर मैं नहीं करूँगी। ठीक है, तो ये मैं H&M के अंदर आ रही हूँ। H&M आप सबको बताऊँगा कि मेरा फेवरेट ब्रांड है। यहाँ से मेरे ऑलमोस्ट सारे कपड़े मेरे यहीं से ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कलेक्शंस, यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा कलेक्शन है रेदर देन दूसरे स्टोर से, बिकॉज ये सिंगल H&M की स्टोर है। तो यहाँ पे थोड़े कलेक्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो, पता है मेरा क्या बोलते हैं उसको, जब आप दुखी होते हो ना, तो एक किक स्टार्ट करने के लिए ना मुझे एक शॉपिंग की ज़रूरत होती है। ऑनेस्टली मैं कुछ एक नया खरीदती हूँ, एक कुछ भी एक नया चीज़, सो दैट वो मुझे एक हैप्पीनेस देता है कि नहीं चलो इससे मेरी ज़िंदगी का थोड़ा सा हैप्पीनेस मैटर होता है, फिर मैं एक दूसरा स्टेप स्टार्ट कर पाती हूँ। तो यहाँ पे है बहुत अच्छा, मतलब जनरली मुझे स्टार्टिंग डेज में, जब वैसे मैं इतने बड़े शहर से बिलोंग नहीं करती हूँ, तो मुझे मतलब मुझे जब स्टार्टिंग आई थी ना यहाँ पे, तो मुझे मॉल्स बहुत पसंद थे। एवरी वीकेंड मैं मॉल जाया करती थी, बट नाउ डेज आई हेट मॉल। मुझे कुछ अगर ख़रीदना होता है तो ही जाती हूँ, वरना नहीं जाना पसंद करती हूँ। लेकिन पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड यहाँ पे टॉयज़ का सेक्शन है, मतलब ये बहुत प्यारा सेक्शन है। यहाँ पे मतलब मुझे स्पेशली मुझे टॉयज़ आज तक पसंद है। ठीक है, तो मुझे आज भी टॉयज़ खेलना पसंद है। ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को अच्छा लगता है, बड़ों को भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ का कलेक्शन मुझे मैं देख रही थी। सॉफ्ट टॉयज मुझे बहुत पसंद है, मुझे जनरली मिनी सेट के अच्छे लगते हैं। मैं कमर तो उठाओ, मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे मत उठाओ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मत उठाओ मुझे, मुझे बचा लो, तो मत उठा, मैं छोटा सा बच्चा हूँ।
अच्छा लगता है तो ड्रेसिंग हमेशा मैं खरीदती थी, मतलब एक एटलीस्ट एक टॉप या फिर दो टॉप तो कुछ ऐसे खरीदती थी। बट अभी ऐसे हुआ है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ भी शॉपिंग वॉपिंग कुछ भी नहीं किया एंड ऑल। सो जस्ट आई एम थिंकिंग कि एक तो एटलीस्ट लूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से ना कुर्तीज़ पहनने का बड़ा मन कर रहा है, ऐसे इंडियन अटायर कुर्तीज़ पहनने का बड़ा मन कर रहा है। तो सोच रही हूँ कि कुर्ती खरीदूँ, मुझे ना कुछ महंगा खरीदने का मन नहीं है, ऐसे नॉर्मल रेंज में अगर मुझे कुछ मिल गया तो मैं ज़रूर ले लूँगी, अगर फिर नहीं मिला तो मैं नहीं लूँगी। तो ऐसे ही है लाइफ, बस ऐसे ही चल रहा है। और हाँ, एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गया है, आप कोई भी चीज़ पे अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे, ज़्यादा फोकस करोगे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे, तो ऑब्वियसली आपको ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, हर्ट आपको होना ही है। अब हर्ट हो गई, ओके, दैट इज़ फॉर श्योर। एक्सपेक्टेशन नहीं है आपका, कुछ नहीं है, तो आपको कोई नहीं हर्ट कर सकता। यू आर फ्री टू गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो एंड आपको जो करना है ऑल। अगर आपका एक्सपेक्टेशन किसी से रहता है, किसी से उम्मीद रहती है, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मुझे। और मैं ऐसी हूँ कि मैं हर किसी से एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, और मुझसे अच्छा मतलब मुझे लगता है कि नो द पीपल जो जिसके साथ मैं हूँ वो सच में उनसे प्यार करता है। तो मैं एक्सपेक्टेशन पक्का 100% रखती हूँ कि जो मतलब होगा चाहिए होगा। पता नहीं भैया ये रास्ता बंद है क्या? रास्ता यहाँ से बंद है, हम लोगों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। लाइफ में यार आप लोग कभी भी जो भी स्पेशली जो लड़कियाँ देख रही हैं ना ये वीडियो, और किसी पे भी डिपेंड मत होना यार, सीरियसली बता रही हूँ। अपनी लाइफ में व्हाट एवर यू वांट टू डू जस्ट डू इट। बाकी रहा, मुझे पता है बहुत सारी लड़कियाँ डिपेंड होती हैं बिकॉज फाइनेंशियल इशू होते हैं बहुत सारे लोगों का। फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो आपको कहीं ना कहीं रोक के रखता है। और दूसरी बात यह है कि कमिटमेंट, और तीसरी चीज़ यह है कि अटैचमेंट। मेरा क्या प्रॉब्लम है, आई एम अ इंडिपेंडेंट गर्ल, ठीक है, तो मुझे आई एम एन इंडिपेंडेंट, लेकिन एक प्रॉब्लम है मुझ में, लाइक ठीक है पैसे तो कमा लेंगे वॉट एवर, कुछ भी कर लूँगी, स्टैंड भी कर लूँगी, ठीक है, बट मेरा अटैचमेंट एंड इमोशंस बहुत गंदा रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में। एक बार किसी से अटैचमेंट और इमोशंस ऐसे अटैच हो जाता है तो मैं कभी भी अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल नहीं पाती हूँ, कभी भी नहीं। हमेशा यही होता है कि ओके जैसा भी हो जो भी हो, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट उसको ठीक करने के लिए, वो होता नहीं है तो फिर आई कैनॉट हेल्प माई सेल्फ, क्या करें।